तो वो जो व्लॉग आना था 12:40 पे, जो कल आपने देखा है संडे मंडे को, वो व्लॉग लेट हो गया था। सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हो नमन श्याम व्लॉग्स। पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, हम गए हुए थे रामदेवरा संघ में, गए हुए थे रामदेवरा तक नहीं गए हुए थे, रामदेवरा संघ में गए थे जहाँ से उनकी सेवा होती है, तो वहाँ तक गए हुए थे। हमारे अंकल लगाते हैं सेवा, तो उधर हम गए हुए थे। उधर की भी मैंने आपको कई सारी वीडियोस दिखाई। मैम दोस्त दो जगह गए थे, एक पहले जहाँ पे मतलब हम अंकल लगाते गए थे, और दूसरी जगह जो पापा के दोस्त थे वो भी अंकल ही है मेरे, उधर भी हम गए थे। तो दोनों में हमने यही देखा कि लोग इतनी भीड़ उमड़ी हुई थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोग बहुत आ रहे थे, बहुत संख्या में लोग आ रहे थे। बाकी बस यही था। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा कल वाला, तो ज़रूर देखना, अच्छा व्लॉग है, अच्छी तरह से हमने बनाया है, एकदम वाइड एंगल में बनाया था पूरे, एकदम जो भी कैप्चर करने लायक चीज़ थी सब कैप्चर करिए। एक बाबा रामदेव जी की मिट्टी से उन्होंने वो भी बनाई थी, वो थोड़ी सी स्केच टाइप सा बनाया था, मिट्टी से बनाया था पूरा, तो वो भी देखा था हमने कि पता नहीं किसने बनाया, उसके पास में उनकी सेवा लगी हुई थी शायद, तक उनमें से किसी ने बनाया है। बाबा रामदेव जी की जितने भी ये अभी क्या है, मेला है बाबा रामदेव जी का, 5-6 दिन बाद मेला है, कितनी तारीख को है मैं पूछता करके बताऊंगा, मेला है। तो ये लोग, कई लोग पंजाब से, कई हरियाणा से, कई गंगानगर, राजस्थान, जितना भी राजस्थान का एरिया है वहाँ से भी, पंजाब और सबसे जगह से आके दिल्ली और रामदेवरा मेले में आते हैं। तो कल इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पूरा रास्ता में भीड़ थी। लेकिन एक चीज़ सबसे गलत हुई थी कल, पुलिस वालों ने कुछ भी अरेंजमेंट नहीं कर रखा था इन लोगों के लिए, कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था। अगर गाड़ी भिड़े तो आपकी भिड़े, अगर आप जाओ तो कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा जहाँ से हम बीकानेर से 130 किलोमीटर तक था, 130 किलोमीटर था जहाँ पे सेवा लगी हुई थी, वहाँ तक कुछ भी नहीं था, सब एकदम खाली पड़ा था। मतलब लोग थे लोगों के लिए, वो सिक्योरिटी विक्योरिटी कुछ भी नहीं थी। तो वो जो व्लॉग आना था 12:40 पे, जो कल आपने देखा है संडे मंडे को, वो व्लॉग लेट हो गया था। मतलब उसने 2:30 बजे तक आया था वो व्लॉग, क्योंकि एडिटिंग में टाइम लग गया था मेरे को, एडिट करते करते अपलोड करने में और टाइम लग गया था, तो इसलिए व्लॉग लेट हो गया था। लेकिन ये वाला व्लॉग मैं पूरे पूरे 12:40 पे डाल दूंगा पक्का। व्लॉग आ चुका है, ये देखना जरूर। तो दोस्तों, आने के बाद मैंने थोड़ी सी व्लॉगिंग करी थी सुबह, उसके बाद मैं सो गया था, और अभी मम्मी को इधर कहीं यहाँ पे वो फंक्शन है तो उधर मैं छोड़ता हुआ अब निकला हूँ क्योंकि वो सुबह व्लॉग भी लेट हो गया था, एडिट हुआ नहीं था सही टाइम पे, तो फिर वहाँ पे लेट हो गई, तो इसलिए थोड़ा सा लेट ही चल रहा था मैं। लेकिन अब मैंने ब्लॉग चालू किया है, फिर से अपना मम्मी को छोड़ कर आया हूँ। तो मैं ना सोच रहा हूँ, मैं कार पे ही हूँ तो अपन कहीं चलें, कहीं चलते हैं, तो अपन चलते हैं, रुको तो अपन चलते हैं, डर जाओ आंटी, पवनपुरी सुदर्शना नगर एरिया है, यहाँ पे कोई हमारे फंक्शन वंक्शन था तो मम्मी को छोड़ता हुआ अब मैं वापस निकला हूँ। अब मैं ना आपको एक दिखाता हूँ हमारे यहाँ का अंडर पास, बीकानेर में तो पहली बार ही बना है तो हमारे लिए तो अलग ही चीज़ है, लेकिन आप लोगों की तो होगा वो बना बनाया, तो आप लोगों को इतना नहीं होगा उसका कुछ, लेकिन हमारे बना हुआ है, तो मैं आपको उधर लेके चलता हूँ अंडर पास की तरफ। ये देखो, ये अंडर पास की तरफ, ये सीधी रोड चली जाएगी, गढ़सीसर की तरफ भी जाती है ये रोड, ये जयपुर जोधपुर बाईपास की तरफ भी जाती है रोड, इसी रोड पे अपन चल रहे हैं अभी। और कल का व्लॉग आपने देखा ना होगा, अब मैं वो आ गया था लेट, लेकिन आ गया था वो, और परसों व्लॉग मैं कर नहीं पाया, व्लॉग डाल नहीं पाया था मैं, क्योंकि कल मैं बाहर चला गया था तो मैं व्लॉग को एडिट नहीं कर पाया, और अपलोड करने की तो वहाँ पे स्पीड भी नहीं थी, एडिट भी कर लेता तो अपलोड भी नहीं हो पाती, तो इसलिए मैंने गया ही, मैंने कुछ किया ही नहीं।
बात नहीं, कल डाल दूंगा, क्योंकि उधर कुछ भी नहीं था, स्पीड एडिट करने की स्पीड नहीं है, तो कैसे एडिट करते हैं ब्लॉग को। ये देखो ये सामने है हमारे, जस्ट सामने अंडरपास है, ये अंडरपास बहुत तकड़ा बनाया हुआ है, मतलब कुछ तो बीकानेर ने भी कुछ किया है इस बार ऐसा लग रहा है, बहुत तगड़ा अंडरपास बनाया बीकानेर में। ये देखो हम नीचे चलते हैं अंडरपास के, लेकिन बस अंडरपास में ये एक दिक्कत हो गई है, हो सकती है कि अगर जैसे बारिश आएगी तो सारी नीचे जमा हो जाएगी यहाँ पे पानी, हमारे तो वैसे भी गिनानी और सब कुछ तालाब ही बना बड़ा रहता है, तो यहाँ और एक और तालाब बन जाएगा, एक तालाब और उन्होंने बना दिया है। बाकी अंडरपास बहुत तगड़ा है, ये देखो, ये देखो यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई है, मैं थोड़ी गाड़ी साइड लगा के फिर आपको मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, एक मिनट। ये अंडरपास देखो, ये अभी नया बना है यहाँ पे, ये पूरा नया बना है। ये सामने जो रोड जा रही है ये सीधी गढ़सीसर की तरफ जा रही है, ये जा रही है, देखो पुल भी दिख रहा होगा आपको, पुल की तरफ ज़ूम करता हूँ मैं, सामने पुल है, ये पुल है जोधपुर जयपुर बाईपास पुल है, ये पे सीधा बाईपास रोड निकलती है, और ये अंकल बेड़े लेकर आ रहे हैं अपनी चरा के। बहुत बढ़िया अंडरपास बनाया है, लेकिन बस ये है कि इधर पानी जमा होने लग जाएगा, क्योंकि वहाँ से भी ढलान है, यहाँ से इस साइड से भी ढलान है, इधर से भी ढलान है, तो ये पानी जमा करने लग जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं आगे घर, तो चलें अंदर, चलो हम अंदर चलते हैं, देखते हैं रॉकी सिद्धू क्या कर रहे हैं। दो ट्रेनर आ रहे हैं, टीचर आ रहे हैं आपके, अब आएंगे मजे, है ना, अब जब ट्रेनर पकड़ेगा तेरे को तो आएंगे तेरे को मजे, ट्रेनर के जाने के बाद। तो दोस्तों वो सिद्धू की ट्रेनिंग करके चला गया था, मैं मम्मी को लेने आया, मम्मी को लेके निकलते हैं अब, मम्मी आ रही है। तो हेलो गाइस, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इस पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो गुड बाय।